नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मिलिट्री वारंट। सबसे पहले तो अपन ये जानना चाहते हैं कि मिलिट्री वारंट किसको जारी किया जाता है। ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मिलिट्री के पर्सन को मिलिट्री वारंट जारी किया जाता है। अब मिलिट्री वारंट होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए। मिलिट्री वारंट ये होता है कि जो मिलिट्री पर्सन अपने घर से ड्यूटी पे जाता है, ड्यूटी से घर पे आता है, तो उसको एक वारंट जारी किया जाता है जिसके द्वारा वह ट्रेन में जाने आने के लिए अपनी टिकट निकलवा सकता है। उसका किराया या चार्जेस जो भी है वो मिलिट्री पर्सन से नहीं लिया जाता, वह किराया उसके विभाग द्वारा पे किया जाता है। तो सबसे पहले आप जान गए मिलिट्री वारंट क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जानिए, ये सुविधाएं मिलिट्री पर्सन को दी जाती है। तो अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से वारंट जारी किया जाता है। उससे पहले आप दोस्तों रेलवे से जुड़े और भी बहुत सारे रूल्स के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि रेलवे से जुड़ी हुई जितनी भी रूल रेगुलेशन है वो आपको पता चल सके। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि जो मिलिट्री वारंट जारी किया जाता है उसमें कौन कौन से वारंट होते हैं। तो इसमें जनरली चार प्रकार के वारंट होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं इंडियन IAFT, इंडियन आर्म फोर्सेज टिकट। तो इसमें सबसे पहले आता है एक इंडियन आर्म फोर्सेज टिकट 1707, ये इसके नंबर होते हैं। तो ये वारंट किसको जारी किया जाता है और इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि IAFT 1707, यह वारंट एक या एक से अधिक सैनिक और उसके फैमिली को जारी किया जाता है। और इसमें जिस स्टेशन का नाम लिखा होता है वहीं से उसको टिकट निकलवानी पड़ती है। और इसके बदले जो इस वारंट के बदले जो मिलिट्री पर्सन या सोल्जर को जो टिकट मिलती है उसको बोलते हैं अपन सोल्जर टिकट। और इसमें जो मिलिट्री पर्सन ट्रेवल करता है उसको फ्री लगेज अलाउंस 40 kg तक पर पर्सन अलाउ रहता है। फ्री लगेज अलाउंस मीन्स ये होता है कि एक आदमी यदि ट्रेन में अपनी टिकट टिकट के बदले जाता है तो मैक्सिमम इतना, मतलब मीन्स 40 kg वेट पर पर्सन वो कैरी कर सकता है। यदि इससे ज़्यादा वेट वह कैरी करता है तो उस पर फिर TC चार्जेज वसूल कर सकता है। इसमें क्या होता है कि इस वारंट में सैनिक से किसी प्रकार का शुल्क किराया नहीं लिया जाता है। इसकी वसूली रेलवे उनके विभाग रक्षा विभाग से कर लेता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इंडियन आर्म फोर्सेज टिकट 1752। यह वारंट भी सैनिक को अकेले को यात्रा करने के लिए जारी किया जाता है। इस वारंट के बदले सोल्जर को जो टिकट दी जाती है उसको बोलते हैं चेक सोल्जर टिकट बोलते हैं उसको। इसमें भी फ्री लगेज अलाउंस 40 kg तक ही दिया जाता है। इसमें भी वही है कि सैनिक से किसी प्रकार का किराया नहीं लेगा और रेलवे उसका टिकट का किराया उसके विभाग से वसूल किया जाता है। लेकिन इन दो वारंट में IAFT 1707 एंड IAFT 1752, इसमें यदि बिना टिकट लिए, ये दो वारंट हैं इनमें से कोई भी वारंट है, लेकिन बिना टिकट लिए हुए यदि सोल्जर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो जहाँ पे उसको पकड़ा जाता है वहाँ तक उसको बिना टिकट माना जाएगा और उसके आगे उस वारंट पे उसको टिकट बना के दे दिया जाता है, जिसको रेलवे में बोलते हैं EFT, वो टिकट बना के दे दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे पकड़ा गया वहाँ तक वो बिना विदाउट टिकट चार्जेज होता है, तो उसके चार्ज फाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट है इंडियन आर्म फोर्सेज टिकट 1709। यह वारंट सोल्जर ऑफिसर वह उसके फैमिली को निजी यात्रा के लिए जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, 60% किराया ऑफिसर खुद भरेगा और 40% किराया उसके विभाग से रेलवे वसूल किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट है इंडियन आर्म फोर्सेज टिकट 1720। यह भी सैनिक यह वारंट सैनिक कर्मचारी और उसके परिवार को निजी व्यापारी यात्रा करने के लिए जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले
सैनिक कर्मचारी होता है उसको 50% किराया नगद देना पड़ता है और 50% किराया उसके विभाग से वसूल कर लिया जाता है। लेकिन आई वारंट नंबर 1709 एंड 1720 में यदि बिना टिकट कोई सैनिक अधिकारी या सैनिक यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको पूरी जर्नी के लिए उसको बिना टिकट माना जाएगा और इस वारंट पे रेलवे के मतलब टीसी द्वारा कोई टिकट इश्यू नहीं किया जाता। जबकि 1707 एंड 1752 में जहाँ पे पकड़ा जाता है वहाँ तक आपको बिना टिकट माना जाएगा और उससे आगे उसको टिकट बना के दे दिया जाता है। थैंक यू।